है ना ये सारे कपड़े बांटने, मैं क्या एक दो बार ही शूट के लिए पहनती हूँ, फिर उसके बाद में मैं ये कपड़े पहनती नहीं हूँ, तो ये नए कपड़े ही रहते हैं, तो इसको हम बांट देंगे। और मुझे क्या है हर मंथ में ना कपड़े लेने ही होते हैं शूट के लिए, तो ये देखो ये इतने अच्छे अच्छे जीन्स हैं, इन सबको मुझे बांटना है। तो मेरे पास जितने भी वन पीस हैं, बड़े बड़े जो गाउन है ना, उसका ही कलेक्शन मैं रखती हूँ, बाकी सारे कपड़े मैं बांट देती हूँ। तो इनमें से जितने भी कपड़े मेरे फ्रेंड्स को पसंद आएंगे ना, मैं उनको दे दूंगी और बाकी के सारे कपड़े मैं बांट दूंगी। देखो ये फुल स्लीव्स वाले टॉप कितने मस्त है, मैंने ना एक या दो ही बार पहने होंगे इसको शूट के लिए। ये मेरा फेवरेट है। हाँ और ये भी एक है, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो ब्लैक वाला बहुत कलेक्शन है। देखो ये है ना मेरा फेवरेट वाला जैकेट है, तो है ना ये भी मम्मी किसी को दे देगी, क्योंकि क्या है मैं एक या दो ही बार पहनती हूँ, उसके बाद में नहीं पहनती। देखो चीकू बेबी का और मेरा जो बर्थडे का कार्ड है वो हमको प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद में ना मेरा और चीकू बेबी का बर्थडे कहाँ पे होने वाला है वो लॉन बुक करने के लिए पापा हमको लेके जा रहे हैं। मैं भी तो देखो यार कैसा लॉन रहेगा, हमारा बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है कि नहीं। चलो फिर मैं आपको भी मेरे साथ लेके चलती हूँ, हम लोग जल्दी से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि मेरे लिए ना सब कुछ ही सरप्राइज होगा, लेकिन फिर ये मम्मी और पापा लॉन बुक करने की बात कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं भी देख लूंगी, नहीं यार सरप्राइज वगैरह डेकोरेशन का सरप्राइज रहेगा मेरे लिए, है ना बच्चे। ये पकड़ पानी की बॉटल। देखो मम्मी मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ना मेरे और चीकू बेबी के बर्थडे पे ना अच्छा सा डेकोरेशन चाहिए, तो डेकोरेशन का सरप्राइज हमको देना, ठीक है। अभी लॉन कार्ड वगैरह बुक करने के लिए तो मैं ही आ रही हूँ आपके साथ, तो मैं अपने हिसाब से सब करूंगी। क्या दिखाओ मम्मी, क्या था दिखाओ दिखाओ। ये देखा है मम्मी मेरी रील निकाल रही थी। पापा तो बताओ ना मेरी कौन से होटल में बर्थडे पार्टी होने वाली है मेरी और चीकू की। अरे एकदम बेस्ट होटल में, तुम तेरी मम्मी बोल रही एकदम फर्स्ट होटल में करने का, तो फर्स्ट होटल का लॉन्च बुक करेंगे और वहाँ पे तेरी और चीकू बेबी के बर्थडे की पार्टी होंगी। हाँ ठीक है, फाइव स्टार चलेगा, मजा आएगा वहाँ पे बहुत। बच्चे ये देखिए वहाँ पे झूला भी है। ये देखो कितना बड़ा झूला है, बैठ वाला ये पसंद है वो वाला। आओ जाओ के कूदूंगा। जा ना, पूछ रहा क्यों, जा 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 चप्पल उतार के जा। मम्मी ये पकड़ो, आप भी बैठो यहाँ पे मेरे साथ। कैसे लगा? बहुत मस्त है। पापा बैठो ना। मैंने बैठो। कृष्णा को देखो, कृष्णा मेले में ना इसमें जाने नहीं देते, बोलते कि ये सिर्फ बच्चों के लिए, तो मैं भी तो बच्ची हूँ ना, मैं जा रही हूँ। जब तक पापा लॉन्च बुकिंग का काम कर रहे हैं तब तक हम सब लोग खेल लेते हैं यहाँ। बहुत मजा आया। ये देखो इधर है, इधर की साइड है ना लॉन्च है। वाव ये देखो कितना बड़ा लॉन्च है, दिखा पीछे पूरा वहां से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा है। मम्मी आपको कैसे लग रहा है, देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है, है ना, एकदम सही लग रहा है, मस्त बड़ा सा। मुझे तो है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एकदम मस्त है, और यहाँ पे स्पेस भी है ना, मेरी एंट्री यहाँ से होगी तो मैं डांस करते करते भी आ सकती हूँ, और चीकू बेबी की एंट्री भी वहीं से होगी। ठीक है क्या लॉन्च यहीं पे करेंगे बर्थडे पार्टी? हाँ अच्छा है। अच्छा है क्या? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। स्टेज उस साइड रहेगा ना पापा? हाँ वो साइड पे स्टेज लगाएंगे।
ठीक है। और डेकोरेशन कैसे चाहिए पहले? डेकोरेशन भी एकदम बढ़िया करेंगे तुम, बस तुमको यहाँ पे लॉन्स और ये ना होटल दिखाने लाया, और पापा ऐसे ना रेड वाला कारपेट भी चाहिए पूरा स्टेज तक। हाँ हाँ बिछा देंगे रेड कारपेट। अच्छा है पापा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे तो है ना लॉन्च बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब एकदम परफेक्ट है चिको बेबी के और मेरे बर्थडे के लिए, है ना बच्चे? बच्चे को क्या समझ आता है? हाँ। So, रात में कुछ ऐसा व्यू होगा यहाँ लॉन्च में। क्या हुआ मम्मी? आज भी रो रही ना मम्मी, इमोशनल हो गई मम्मी। तो पापा चलो अभी आप भी आ जाओ ना इधर लाइन में आके बैठो, इधर है ना अनुपमा के घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी चल रही, ट्रेजेडी। बैठो। हाँ ना, तू कभी गिरी का मेरे लिए ऐसा? मेरा नाम चला कैसे गिरी का कभी? वो उसका एक्स हस्बैंड देखो कितना खुश हो रहा है, वो उसका करंट हस्बैंड है। और उसका पुराना वाला हस्बैंड अलग है, फ्यूचर हस्बैंड अलग है, करंट बोले तो इन वेटिंग हस्बैंड अलग है। बैठो बैठो। मम्मी जल्दी से बाहर आओ, देखो अभी कुछ ही सेकंड में ना मम्मी के 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं, ये देखो। देखा मम्मी जल्दी आओ, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी ना वैसे 100 की, आपने देखा, देखो आपके 100 के फॉलोअर्स होने वाले, 99.9 के हो गए, 40 फॉलोअर्स बाकी है यार, 100 के पता नहीं कब होंगे। तू ही देख, जाओ यार 100 के, फिर हम केक कट करेंगे ना मम्मी के 100 के फॉलोअर्स का। चल ना, मेरे 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं तो पापा को भी बताएंगे, पापा को थोड़ा सा जलाएंगे। चल। हाँ पापा के 30 के ही फॉलोअर्स हैं। चलो 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 जी, तू भी चल, मैं चलती हूँ सबसे पहले आगे खुशखबरी देने। पापा, अरे पापा क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब हो गई? इंस्टाग्राम यूज करना चालू कर दूंगा ना तो मेरे लिए ना 200 के हो जाएंगे तेरे से ज्यादा। पहले पापा के पता है कितने थे? 21 के ही थे और मेरे 0 थे। हाँ मम्मी ने 0 से स्टार्ट किया, आज 100 के होने वाले पापा। कैसे लग रहा है आपको बताओ ना? सर दर्द दे रहा। थोड़ा सा आराम कर लेता फिर उठता। जब ऐसे पापा की तबीयत खराब होती है ना पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि पापा बात नहीं करते ना ज्यादा, तो इसीलिए लाओ पापा हाथ दो अपना ये वाला। देखो यार सुबह है ना पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी है ना चीकी भी तबीयत ठीक नहीं, उसको भी वायरल फीवर हो गया है, जुकाम सर्दी सब कुछ हो गया उसको। मम्मी हम इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना? हाँ ना चलो ना। क्योंकि क्या है बर्थडे के दिन भी बीमार रहेगा फिर, और ये भी आ गया हमारा बच्चा। तू भी बीमार रहेगा? नहीं ये सोया हुआ था। ए ची तू कैसे क्या बीमार पड़ा, तू तो 2 दिन से बीमार है। पापा हमने ना वो सिंडिकेट के डॉन लोग गुंडे लोगों के भाई लोगों की मीटिंग बुलाई थी ना, तो उसके अंदर है ना वो कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी करने वाला जो फेरोज था क्या, फेरोज, तो उसने ना उधर से वो वायरल फीवर लेके आया, वायरल फीवर, तो हमें ना ऐसे सब पूरे सिंडिकेट के ना गैंग मेंबर सब बीमार हो गए वो फेरोज की वजह से। चलो 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 हॉस्पिटल चलो। चल ची बाहर जाने का, चल बाहर जाने का घूमने के लिए, चल 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 घूमने जाने का चल।
चिकू मेरा हाथ तो करो, तू इधर बैठ गाड़ी पे, चल पापा आने तक तू गाड़ी पे बैठ। दीदी तेरे को बांधने क्या, वो फेरोज कराची लुंडा बाजार वाले के वजह से ना हम सब सिंडिकेट के गुंडे लोग आए ना, सब मेंबर्स बीमार हो गए, बीमार सूर्या भाई को भी है ना बहुत, वो भी बीमार हो गए, और फिर उसके बाद में ना अपने पुष्पा भाव है ना उनकी नाक तो ऐसे बहुत ज्यादा गल रही है, और पुष्पा भाव बोल रहे कि मैं नाक पोछेगा नहीं साला। बच्चे तो सिंडिकेट की मीटिंग में बीमार हो गया। सूर्या भाई ने ना वो फेरोज को ना अपने इंडिया से ना हटा दिया उसको। चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा हो। बुबू का है वही बुबू। कुछ नहीं, अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर वहाँ पे डॉक्टर तेरे को इंजेक्शन देंगे तो तू ठीक हो जाएगा। मेरी बॉडी है ना, बॉडी वो लोखंड की बने वाली है तो उसमें ना इंजेक्शन नहीं जाता। ताता, ताता, देखो आगे पप्पा आ गए। चलो मम्मी नहीं आ रही? ना। अभी हॉस्पिटल में जाने के बाद में ना मैं डॉक्टर को बोलने वाला है कि ना पप्पा को भी ना दो चार इंजेक्शन अलग से एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि ना पप्पा मेरे को ऐसे दवाई पिलाते रहते घर पे, तो अभी पप्पा को भी ना इंजेक्शन दे देगा है। बैठना। बाहर से ही बोलती रहती है हमेशा मम्मी। क्या बोल रहे थे? ये सारा सामान पड़ा है गाड़ी में। तू भी पड़ जा गाड़ी में, बैठ। काका। पापा, आप भी इंजेक्शन ले लो ना। ची तू इंजेक्शन लेता क्या? आ गया हॉस्पिटल। चल। चिकू को मैं लूंगी। चिकू तू मैं लेता चल। पापा रुको, मेरे को भी ना आपके साथ में चलने दो, क्योंकि हॉस्पिटल जाते टाइम पे आपके साथ में कोई ना है, बड़ा भी तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं चल रहा। अभी है ना हॉस्पिटल जाएंगे, ये दवाई वगैरह खाएंगे ना, और चिकू भी एंटीबायोटिक वगैरह कुछ लेगा तो कल तक एकदम टिप टॉप हो जाएंगे पापा और चिकू बेबी। देखो ना कैसे हो गए दोनों के फेस, एकदम उतर गए। पापा अभी ना तुम डरो मत, क्योंकि अभी ना इंजेक्शन लेने का है, तो अभी डरने का नहीं, अभी कुछ नहीं होता इंजेक्शन लेने से। पापा वो क्या है ना कि मेरे नाक के अंदर से धूल चले गई ना, इसलिए मेरे को छींक आई, वैसे मैं बीमार नहीं है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ना, इधर मेरा ना कांड होने वाला है, कांड। डॉक्टर नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू मी। कल है ना हमारे सिंडिकेट के ना गैंग लोगों की, गुंडे लोगों की, डॉन लोगों की, भाई लोगों की मीटिंग थी, तो उसमें ना वो कराची के लुंडा बाजार थे ना फेरोज, उसने ना उधर से बैक्टीरिया वायरल फीवर ले गया, तो उसमें ना फिर हमारे पुष्पा भाव, फिर हमारे डॉन नंबर वन सूर्या भाव, और हमें ना सब ऐसे सिंडिकेट के पूरे ना डॉन लोग मेंबर लोग सब ऐसे बीमार हुए, तो फिर हमने ना फिरोज को ना इधर हिंदुस्तान से हकाल दिया उसको। ये देखो पापा, डॉक्टर मामा, ये देखो मेरा वजन भी है ना ज्यादा है, क्योंकि मैं ना नॉन वेज नहीं खाता, मैं ना वेज खाके मेरे को ना बहुत ताकत आती ताकत। कही अभी ये डॉक्टर है ना मेरे को ना इंजेक्शन देने की तैयारी तो नहीं कर रहे। ए बाबा, ये लेके चल मेरे को उधर थोड़ा खुली हवा में लेके चल, ताकि ना मैं खुली हवा में ना ऐसे अच्छी सांस ले सकूं। चल बाबा चल, बाहर चल। डॉक्टर मैं क्या बोल रहा था कि पापा को है ना ऐसा दो चार इंजेक्शन है ना ऐसे एक्स्ट्रा में ना ऐसे अलग से लगा दो। बाबा चल जल्दी जल्दी बाहर चल। डॉक्टर इंजेक्शन नहीं कर रहे, चल जल्दी बाबा बाहर, अभी ना मेरे को इंजेक्शन दे देंगे पापा को, दे ले दो इंजेक्शन। खुशी देखो इसकी, खुशी देखो। चल, ये लेके आने का है चिकू। चल, ये बिल दवाई मेडिकल मेडिकल लेने का। चल। अरे बाबा, वो मेडिकल लेने की कुछ जरूरत नहीं है मामा, क्योंकि घर पे जाके ना पापा है ना जबरदस्ती मेरे को ना से वो दवाई पिलाएंगे। ए दीदी चलना सुमड़ी में ना अपन इधर से ना पीछे से निकल लेते। पापा इंजेक्शन लिया आपने, बताओ ना। नहीं, मेरे को लगा ही था पापा इंजेक्शन नहीं लेंगे। अच्छा तो तू नहीं पीने वाला ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं, ढक्कन से पिलाना होता है। अभी मैं ना मेरे सिंडिकेट के ना गुंडे लोग डॉन लोगों मेंबर को ना फोन करता, मैं अभी बुला लेता इधर। पकड़ो उसका मुंह, पकड़ो।
हुआ हुआ हुआ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, लाओ दूसरी बॉटल लाओ। और एक है पापा है ना, तो हुआ हुआ बोल के और एक दवा पिला रहे मेरे को। ये पापा मेरे को ना चाकले में पकड़ के रहे थे, बहुत सारी दवा मेरे को नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं। मैं अभी है ना मोबाइल तो मेरे को जा रहे बर्थडे डेकोरेशन की बुकिंग करवाने। मम्मी बोल रही है कि तू जल्दी से रेडी हो जा, जाना कहाँ है? लेकिन सलून जाना है। क्यों, क्या करना है? तेरे बर्थडे वीक चल रहा है ना, तो तुझे पैंपरिंग करेंगे मस्त। वाओ मेरा बर्थडे वीक चल रहा है इसलिए मम्मी मुझे ना पैंपर करा रही है। और क्या क्या कराना है? हेयर स्पा कराना है फर्स्ट तो, और नेल आर्ट जो तेरा सबसे फेवरेट है। नेल एक्सटेंशन होता है मम्मी वो? अच्छा वो, हाँ वही करा रहा है ना, गर्ल्स नेल एक्सटेंशन होता है, इसका भी बर्थडे वीक चल रहा है। मेरे को ऐसे बर्थडे में ना ऐसे बहुत भारी डेकोरेशन करने का, ऐसे बहुत एकदम जबरदस्त करने का है डेकोरेशन। देखो यार सबका जब बर्थडे वीक चलता है ना तो सबको पैम्परिंग चाहिए होती है। थैंक यू मम्मी, बहुत मजा आएगा आपका सलून जाके। बेचारा चिकू अभी भी इसकी तबीयत खराब ही चल रही है, तो मैं पहनूंगी अपनी न्यू वाली जीन्स। यार देखो ना मेरा फेस कैसे हो गया है, मुझे ना सुबह उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, पर एग्जाम की वजह से सुबह उठना पड़ता है, तो पूरी नींद भरी हुई है, नींद बहुत आती है सुबह उठने से। और पता नहीं मम्मी कैसे बोलती है कि सुबह उठने से दिन बहुत अच्छा जाता है, मेरा अच्छा नहीं जाता, उठना पड़ता है सवेरे जल्दी से। नहीं 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 नहीं, क्या ये लेगा? वेट कर रही हूँ मम्मी के रेडी होने का। जैसे ही मम्मी रेडी हो जाती है ना तो फिर हम पापा को बोलेंगे कि आप ही ड्रॉप कर दो आज हमें। वैसे मुझे पता है पापा मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पापा को बोलेंगे कि आप ही ड्रॉप कर दो। पापा क्या कर रहे हो? इतने में ये नया गोलियां खा रहे पापा। अच्छा सुनो मैं क्या बोल रही थी, हमको ना बाहर जाना है तो आप ड्रॉप कर दो ना। चलो ना। वाह आज कैसे मान गए पापा? क्योंकि मैं भी जा रहा ना बाहर काम पे। ठीक है चलेगा। वाह कौन है तेरे को? नहीं नहीं टेस्ट कैसे है मेरे को थोड़ा सा दिखाओ। बहुत ज्यादा कड़वा है, स्मेल से पता चल रहा है, पी लो ना जल्दी। खांसी का सिरप है। अरे टेंशन मत लो, गाड़ी मैं नहीं चला रही हूँ, बस मम्मी पापा आने तक है ना मैं हमारी गाड़ी की एसी चालू कर देती हूँ ताकि गाड़ी ठंडी हो, बहुत ज्यादा गर्म हो गई है यार गाड़ी। वैसे मुझे भी गाड़ी चलाना आती है लेकिन मैं नहीं चलाऊंगी, पापा बिल्कुल नहीं चलाने देंगे मेरे को। पापा मैं अपने बाल थोड़े से काट लूं? नहीं नहीं थोड़े से ना। नहीं नहीं ये बाल भी नहीं कटाने का, पहले बोल दे रहा। थोड़ा सा हेयर कट? नहीं 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 हेयर कट इतना सा नहीं, हेयर कट भी कट मत करो तुम, पहले बता दे रहा मैं। देखो पापा है ना बिल्कुल भी हेयर कट नहीं करने देते, ये जो नीचे के डैमेज है ना ये ऐसे ही दिखने लग जाते हैं, फिर नकली नाखून लगाने वाली हूँ आज। तुमको जो करने करो, हेयर कट करने का नहीं। ठीक है चलेगा। नकली नाखून लगाने वाले एग्जाम चालू है, लिखेंगे कैसे? अरे पापा लिखना आता है, सब आता है। वही पूछा था कि लिखेंगे कैसे। अरे आता है मम्मी बराबर, रुको मैं पापा को दिखाती हूँ कैसे होते हैं नेल्स एक्सटेंशन। नहीं मैं नहीं देख रहा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं। ओ मैं भी करूँगा नेल को। मेरे को मत पूछो भला तुम क्या करने क्या नहीं कर, जा रहे ना तुम जो करने कर लो। ठीक है। वाओ मम्मी क्लिप्स बहुत क्यूट लग रहे हैं, देखो पापा देखो। अरे मैं पीछे की गाड़ी देख रहा हूँ बस। तो उसको देख के इतना क्यों हंस रहे हो? वो ड्राइवर हाथ दिखा रहा ना इसलिए। अब पता नहीं पापा कैसा डेकोरेशन करवाने वाले हैं, बट जो भी डेकोरेशन होगा बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। और मम्मी मुझे मेरे 16th बर्थडे पे 16 अलग अलग गिफ्ट देने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बड़ा मजा आने वाला है।